सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल गुरुजी के तो बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस ब्रांड न्यू फोन की, जो कि ये दोस्तों मेरे पास फिलहाल ऑनर मैजिक 2 और ये लगता है थोड़ा सा एक मैजिकल सा ये फोन है, काफी यूनिक डिजाइन के साथ में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास है बॉक्स ऑनर मैजिक 2 का, और यहाँ पर दोस्तों सामने क्लियर हिंट है स्लाइडिंग मैकेनिज्म के लिए, जो कि देगा भैया हमको सामने कंप्लीट फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, बाकी अगर बॉक्स से ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर दोस्तों मालूम ही चलता है कि हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। तो यहाँ पे भैया देखते हैं क्या निकलता है दोस्तों बॉक्स से बाहर। तो सबसे पहले तो रखा है ये फोन, इसके बाद बात करते हैं अगर नीचे, तो हमारे पास में है कुछ IMEI स्टिकर और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओके, तो ये है सिम इजेक्टर टूल, काफ़ी ज़रूरी चीज़, माई वेपन ऑफ चॉइस। और यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पर दोस्तों ये जो केस है ये खैर काफ़ी होने वाला है डिफरेंट एक स्टैंडर्ड केस से कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एकदम बिल्कुल क्लीन सा सेक्शन, जो कि हेल्प करेगा इस स्लाइडिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए। और ये तो थोड़ा सा एक हार्ड शेल केस है, बाकी दोस्तों यहाँ पे नीचे है ये एक अडैप्टर जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने स्टैंडर्ड ईयरफोन्स को। साथ में है नीचे ये USB टाइप सी केबल, और मजे की बात दोस्तों यहाँ पे कि ये जो चार्जर है ये है Huawei सुपर चार्ज, जिसमें आउटपुट है अप टू 40 वॉट्स, मतलब आप इसकी मदद से फोन को बहुत तेजी से बहुत तेजी से चार्ज कर पाएंगे। और यहां पर दोस्तों अगर बात करते हैं फोन की, हटाते हैं इस प्लास्टिक रैप को, मैं निकाल देता हूं इन स्टिकर्स को, बिकॉज इस फोन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ही आपको आएगा मजा। तो यहां पर दोस्तों ऐसा है कुछ इसका डिजाइन, और डिजाइन के हमने तो लगता है भैया मिलने चाहिए ऑनर को फुल मार्क्स, क्योंकि एक तो इसकी जो एक ग्रेडियंट फिनिश है ये दोस्तों बड़ी कमाल लगती है। नीचे है यहाँ पे ऑनर की ब्रांडिंग, और मजे की बात की यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये आता है इस ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में, जहां पे एक सेंटर कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, उसके अलावा एक दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, और जो तीसरा कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे दोस्तों हो गए हैं पीछे की तरफ 3 कैमरा, और मजे की बात की यहाँ पे स्लाइडिंग मैकेनिज्म के नीचे छुपे हैं 3 फ्रंट फेसिंग कैमरा, जो कि है दोस्तों 16+2+2, यानी कि जो दोस्तों कैमरा है 2 मेगापिक्सल के वो काम आएंगे भैया आपकी डेप्थ सेंसिंग इंफॉर्मेशन के लिए, और बाकी जो है 16 मेगापिक्सल का वो है इसका मेन कैमरा एफ2 लेंस के साथ में। और ये जो मैकेनिज्म है, मतलब ये लगता है कि यार मैं मतलब दिन भर कर लूं चाहे इसको कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर दोस्तों देगा हमको ये फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस। अगर बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर दोस्तों राइट साइड में हमको मिलने वाला है ये पावर बटन, इसके ठीक ऊपर है यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर, फोन में ऊपर की तरफ में है यहाँ पे सेकेंडरी माइक और एक IR ब्लास्टर। और यहाँ पर दोस्तों जो ये लेफ्ट साइड है कंप्लीटली क्लीन है, एक्सेप्ट के ऊपर जो सिम ट्रे है वो सपोर्ट करती है 2 नैनो सिम कार्ड, यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और नीचे की तरफ यहाँ पर दोस्तों ये है एक स्पीकर ग्रिल, साथ में है USB टाइप सी पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन। और यहाँ पर दोस्तों सामने की तरफ डिस्प्ले है, एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूं, तो ये दोस्तों आता है 6.39 इंचेस के AMOLED स्क्रीन के साथ में, और इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी है भैया बिल्ट इन यहीं पे ही डिस्प्ले में। बाकी दोस्तों यहां पे अगर बात करते हैं कुछ और कंपोनेंट्स की, तो यहां पे दोस्तों लगाया गया है Huawei का लेटेस्ट फ्लैगशिप क्रीन 980 प्रोसेसर, जो कि भैया बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहां पे दोस्तों ऐसे में AI वाले बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये बना है 7 नैनोमीटर पे। साथ में उसकी जो बैटरी है वो है 3500 mAh की। तो दोस्तों मैंने अभी फोन को बस ऑलमोस्ट सेट सा कर ही लिया है, और ये जो भैया मिलता है ना एक्सपीरियंस आपको दोस्तों देता है कंप्लीट फुल स्क्रीन वाला मजा, मतलब कोई नॉच नहीं, कोई यहां पे बेजल नहीं, और बड़े आराम से आप बस इसको स्लाइड कीजिए तो आप यूज कर पाएंगे कैमरा को जब जब आपको यूज करना है। बाकी नॉर्मल केसेस में आप इसको खैर स्लाइड करेंगे नहीं तो भैया कोई दिक्कत आएगी नहीं। और यहां पे मतलब क्या बात है यार, ऐसा इतना ऐसा लगता है कि क्या जादू सा हो रहा है जो ये अंदर से दोस्तों निकलता है एक इसका सेक्शन बाहर और ऊपर की तरफ रिवील कर देता है इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा मैकेनिज्म को। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं ध्यान से, तो जो ईयरपीस है वो एक्चुअल में नीचे है, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है उसमें एक ग्रिल है, ताकि जब आप इसको बंद करके यूज़ कर रहे हो तो आपको आवाज़ यहाँ से बाहर आए अगर आप कोई कॉल वगैरह लेते हैं। दोस्तों ये है कुछ ऐसा फ़ोन, अभी ऊपर जाकर देखते हैं सेटिंग्स में कि क्या यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों ये आता है टिपिकल अपने Huawei वाले UI के साथ में, और यहाँ पर दोस्तों अगर देखते हैं जाके अबाउट फोन में, तो यहाँ पर हमको मालूम चलता है कि इसमें जो डिस्प्ले है वो है एक फुल HD प्लस पैनल। बाकी दोस्तों यहाँ पे नवंबर के महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, और ये दोस्तों फिलहाल एंड्रॉइड 9 पाई पे काम करता है, तो ये भी खैर काफी अच्छी बात है। और मजा सा आ गया, मतलब यहाँ दोस्तों जेस्चर आपको मिल जाता है, नेविगेशन सिस्टम, और कुल मिला के जो डिस्प्ले है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चाइनीज ऐप्स हैं, बिकॉज ये इंडिया में दोस्तों फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, ये इसका एक चाइनीज वर्जन है, लेकिन यार देखने में तो मतलब मजा ही आ रहा है इस फोन को। दोस्तों यहाँ पे जल्दी से टेस्ट करते हैं इसके कैमरा को, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कैमरा ओपन, और अगर मैं एक सेल्फी क्लिक करूँ तो ये बोलता है स्लाइड डाउन टू एक्सेस द कैमरा, बिकॉज हमको आदत होती है एक्सेल पसंद दबाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने ओपन किया तो ये आ गया, और क्या बात है यार फोटो काफ़ी क्लियर सी लगेगी मेरे ख्याल से।
और अगर मैं लेता हूँ एक नॉर्मल फोटो, तो यहाँ पर दोस्तों ये हैं कुछ ऐसी फोटो जहाँ पे क्या बात है यार, डिटेल्स तो भर भर के हैं। और बाकी दोस्तों मैंने देखो क्या जुगाड़ लगा रखा है, टेबल के ऊपर मैं कैमरा माउंट करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये है कुछ ऐसा फोन, मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कुछ और कैमरा सैंपल्स इसके फ्रंट एंड रियर कैमरा से क्लिक किए गए, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं अल्ट्रा वाइड फोटोज को, स्टैंडर्ड फोटोज को, उसके अलावा कुछ पोर्ट्रेट मोड्स वगैरह को। और ये है दोस्तों कंप्लीट पैकेज इसी मैजिक 2 का। अभी यहाँ पे ना ये फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देता है यार, ये एक अच्छी बात है बहुत। हालांकि यहाँ पे आपको वो 3D वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे एक बार दोस्तों मैं सेट कर दिखाता हूँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो इन डिस्प्ले वाला है भैया वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अनलॉक डिवाइस, एनरोल फिंगरप्रिंट, तो ये आपको देता है ऑप्शन कुछ इस जगह पे, और नीचे से आती है एक लाइट जो आपके फिंगरप्रिंट्स को एनरोल कर रही है फिलहाल इस डिवाइस में, कंटिन्यू। और इन डिस्प्ले जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी यूनिक है, लेकिन हाँ आज की डेट में भी स्पीड के मामले जो स्टैंडर्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं उतनी ज़्यादा फास्ट यार ऑफ कोर्स नहीं है। अभी अगर हम चेक करते हैं कैसे चीज़ काम करेगी, तो अगर ये फ़ोन आपका लॉक है आप सिर्फ स्लाइड डाउन कीजिए, ये फेस अनलॉक ही यूज़ कर लेगा। अच्छा ये एक अच्छी बात है, सिर्फ स्लाइड डाउन करना है, फेस देखा और सीधा अनलॉक हो गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से। और अगर बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ये आपने फ़ोन को लॉक किया तो यहाँ पे टच किया तो ये हो गया अनलॉक, और ये जो पोजीशन है ये खैर काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब अगर आप पकड़ रहे हैं नॉर्मली तो आपकी ग्रिप यहीं पे आएगी, आपका जो अंगूठा है वो यहीं पे आने वाला है, तो ये पोजीशन एकदम परफेक्ट लगती है मुझे कुछ इस तरीके से। थोड़ी नीचे ऊपर होती है तो दिक्कत हो जाती है, और बाकी यहाँ पे जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी सही है, सिर्फ स्लाइड डाउन और इंस्टेंट अनलॉक। फॉर एग्जाम्पल ये बंद किया, स्लाइड डाउन और इंस्टेंट अनलॉक। तो दोस्तों ये है कुछ मैजिक इसी मैजिक 2 का। अगर आपसे बात दोस्तों करता हूँ मैं प्राइस की, तो यार ये एक बहुत ही सॉलिड फैक्टर है, जहाँ पर दोस्तों ये जो चाइनीज प्राइसिंग है इसकी वो बनती है इंडियन इक्विवेलेंट करीब 40,000 के आसपास। मतलब आप सोचो यार, अगर एक ऐसा फोन 40,000 के प्राइस तक में अगर अवेलेबल हो जाए, जहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे मतलब एकदम फ्लैगशिप ग्रेड हार्डवेयर है, डिजाइन काफी कूल है, मैं तो मतलब दिन भर इसको ऐसे ही करता रहूँ काफी मजे की बात है। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये ऑनर का मैजिक 2, जहां पे कुछ ना कुछ तो मैजिक है। और आगे चल के देखते हैं कि ये जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है हम इसको यूज करेंगे, या वो जो डिस्प्ले में छेद होने के बाद में कैमरा बनेगा हम उसको यूज करेंगे, या फिर सामने भी डिस्प्ले और पीछे भी डिस्प्ले हम देखेंगे कुछ फोन्स में वो चीज होगी आगे मेन स्ट्रीम, वो तो क्या देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये फोन मुझे तो खैर काफी यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट्स में, और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कुछ अच्छा ही काम करेंगे आगे चल के मिलके। सब्सक्राइब तो खैर आप कर ही चुके होंगे। तो फिलहाल में इतना ही, देखिए धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।